जांजगीर के जिला एवं सत्र न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इस दौरान यहां लंबे समय से चले आ रहे बैंक से संबंधित मामले, पारिवारिक व जमीन संबंधी विवाद, बीमा दावे, बिजली बिल, पति पत्नी के आपसी विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। लोक अदालत में लिए गए फैसलों के संबंध में फैमिली कोर्ट के एडिशनल प्रिंसिपल जज विवेक कुमार तिवारी और विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रियंका अग्रवाल ने जानकारी दी। जानते हैं कि लोक अदालत के माध्यम से जो मामले का निराकरण होता है उसमें आगे कोई अपील होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि कोई विवाद बचा ही नहीं है। ऐसे जो मामले निराकृत होते हैं न्यायालय में, फैसला किसी पक्ष में आता है, जो दूसरा पार्टी असंतुष्ट रहता है तो ऊपरी न्यायालय में जाता है, फिर वहाँ से भी कोई यदि संभावना है तो ऊपर जाता है, तो एक चेन बना रहता है और पारिवारिक शांति भी भंग होती है। तो बहुत अच्छा है, इसीलिए बीच बीच में इसका आयोजन किया जाता है। हम लोग भी प्रयास रहता है जो हो सके उसको किया जाए। लोक अदालत का जो मुख्य मकसद होता है, न्यायालय में जो बहुत सारे पेंडिंग केसेस है उसमें से ऐसे ऐसे प्रकरण को छाट कर रखा जाता है जिसमें राजीनामा होने की संभावना होती है, और राजीनामा उन प्रकरणों में करवाया जाता है आज के दिन में स्पेशली उसको बुला करके। तो इसलिए आज का हमारा जो आयोजन है ये काफ़ी सफल रहा, सभी पक्षकारों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और आगे भी इसी प्रकार का हम प्रयास जारी रखेंगे। लोक अदालत में विवादों के निपटारे पर पक्षकारों में खुशियों का माहौल है। यहां पहुंची पक्षकार उषा खूंटे ने बताया कि यहां पारिवारिक विवाद के निपटारे के बाद अब उनके बच्चों का भविष्य बेहतर बन पाएगा। 4 साल से हम लोग का विवाद चल रहा था हम लोग के परिवार वालों की वजह से, फिर हम लोग सोचे कि इसमें बच्चे लोग का भविष्य खराब होगा, इसलिए हम लोग ने समझौता कर लिया और फिर एक साथ रहने लगे हैं। अभी 3 ही महीने हुआ है हम लोग को साथ रहते हुए, बच्चे लोग को साथ में रखते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं। आज हम लोग का आखिरी वो था केस, इसलिए हम लोग खारिज करवाने आए थे, अब केस खत्म हो गया हम लोग का। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी चर्चा के बाद समझौता होने पर प्रकरणों का खात्मा किया गया है। पक्षकारों ने प्रकरणों में समझौता होने संतोष जाहिर किया है।